तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे सारे बायोम्स एंड स्ट्रक्चर्स जार के अंदर बंद है एंड इन 100 डेज में हमारे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं। तो अपना पहला गोल इस वर्ल्ड के ज्यादातर सीक्रेट स्ट्रक्चर्स को लूटना, अपना दूसरा गोल हम दोनों के लिए एक बहुत ही ऑसम सा घर बनाना एंड फाइनली अपने पैरस विलेजेस के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाना एंड एंडर ड्रैगन और विदर को डिफीट करना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन जार ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। टुडे वन कम स्पॉन हुए एक जार के अंदर एंड या जब हमने आसपास देखा ना तो हमने देखा कि ऐसे ही और भी बहुत सारे जार्स हैं और भाई इन जार्स के अंदर काफी सारे बायोम्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि एक जार के अंदर विलेज था एंड एक के अंदर डेजर्ट बायोम था। तो यार इन जार्स में जाने के पहले हमने अपना वाला जार को चेक किया एंड इसमें एक चेस्ट था और भाई उन चेस्ट में 3 बुक्स थी जिनको हमने जल्दी से पढ़ा एंड उसमें बहुत खतरनाक इन्फॉर्मेशन थी। तो यार इन बुक्स के मुताबिक हम लोग यहाँ पे नेदर पोर्टल नहीं बना सकते हैं। नेदर पोर्टल एंड स्ट्रॉन्गहोल्ड दोनों एक सीक्रेट लोकेशन पे जिसको हमें ढूंढना पड़ेगा और भाई अगर हम लोग को एक सीक्रेट शल्कर बॉक्स मिल जाता है तो हम लोग एक जार से दूसरे जार तक टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। तो भाई इतनी खतरनाक इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम लोग चले गए थोड़े बहुत वुड माइन करने के लिए। मतलब यार अभी तो हम लोग बहुत बड़े वाले गरीब हैं एंड बिना वुड के कैसे हम लोग उन सीक्रेट पोर्टल्स को ढूंढेंगे। तो भाई इनफ वुड माइन करने के बाद हमने जल्दी से सारे वुड को कलेक्ट कर लिया एंड देन एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। फिर भाई मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि क्राफ्टिंग टेबल तो यहाँ पे पहले से बनी हुई थी, इसका मतलब हम लोग का 4 वुड वेस्ट हो गया। हाँ पता है कि हम लोग बहुत बड़े वाले नूब है तो कमेंट करने की जरूरत नहीं, माफ कर दो यार। तो यार इसके बाद हमने 2 वुडन के पिकैक्स बना लिए एंड जितने भी वुड बाकी थे उसको भी हमने कलेक्ट कर लिया। फिर यार इसके बाद फाइनली हमें एक सैपलिंग मिल गया एंड इसका मतलब है कि हम लोग और भी ट्री ग्रो कर सकते हैं एंड इन्फिनाइट वुड ले सकते हैं। तो सैपलिंग को प्लांट करने के बाद हम लोग चले गए बहुत सारी माइनिंग करने के लिए एंड यार हमें माइन से काफी सारे कॉबलस्टोन एंड कोल मिल गए थे जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। फिर इनफ कॉबलस्टोन माइन करने के बाद हम लोगों ने सारे कॉबलस्टोन के टूल्स एंड पिकैक्स बना लिए, फिर मैंने भाई को भी दे दिए एंड थोड़े बहुत टॉर्चेस भी बना लिए। एंड यार अब अपने पास कॉबलस्टोन के सारे टूल्स है जो कि हम लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब यार इतने में ही रात हो चुकी थी बट अपने पास बेड नहीं था तो हमने यहाँ पे थोड़े बहुत शुगर केन माइन कर लिए एंड उसको रीप्लांट कर दिया। फिर भाई यहाँ पे थोड़े बहुत कॉबलस्टोन माइन कर रहा था एंड उसको यहाँ पे एक स्पाइडर स्पॉनर दिख गया था और भाई स्पाइडर स्पॉनर तो अपने लिए लिटरली एक वरदान है क्योंकि उससे हम लोग को स्ट्रिंग मिल सकता है जिससे हम लोग बेड एंड फिशिंग रॉड बना सकते हैं। बट जैसे कि हम लोग यहाँ पे बहुत बड़े वाले नूबड़े हैं, अपने पास आयरन का आर्मर भी नहीं है तो हम लोग वहां से भाग गए। फिर हमें यहाँ पे काफी सारे आयरन मिल गए थे जिसको हमने जल्दी से माइन कर लिया। देन भाई हमने यहाँ पे एक फर्नेस बनाया एंड सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। फिर भाई जब तक अपना आयरन यहाँ पे स्मेल्ट हो रहा था तब तक हम लोग का एक ट्री भी ग्रो हो चुका था जिसको हमने जल्दी से चॉप कर लिया क्योंकि अपने पास वुड की बहुत ज्यादा कमी है। फिर ये सब करते करते अपना यहाँ पे सुबह हो चुका था एंड सुबह को हमें यहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर दिखा, लेकिन यार ये तो जार के ऊपर स्पॉन हो गया। तो भाई वॉन्डरिंग ट्रेडर को अवॉइड करते हुए हमने अपना आयरन को देखा जो कि पूरा स्मेल्ट हो चुका था, तो जल्दी से हमने यहाँ पे 2 आयरन के पिकैक्स एंड 2 शील्ड बना लिए एंड अब हम लोग रेडी थे स्पाइडर्स के साथ लड़ने के लिए एंड उनका चेस्ट लूटने के लिए। तो यार काफी हिम्मत जुगाड़ करने के बाद हम लोग चले गए स्पाइडर्स को मारने के लिए, पर यार ये इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि स्पाइडर्स भी बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। लेकिन यार लगता है कि फाइटिंग में हम लोग बहुत ज्यादा प्रो है क्योंकि स्पाइडर्स को हमने इजिली मार दिया एंड सारे चेस्ट को भी हमने लूट लिया एंड चेस्ट से हमें थोड़े बहुत गोल्डन एप्पल्स एंड बहुत सारे गोल्ड मिल गए थे। अब यार इसके बाद हमने चेस्ट को भी ले लिया, फिर हम लोग ऊपर चले गए एंड सारे फालतू के सामान चेस्ट में रख दिए। फिर इसके बाद हमने एक बकेट बनाया, उसमें पानी लिया एंड थोड़े बहुत ट्रैप डोर्स भी बना लिए क्योंकि अब हम लोग को बनाना था एक स्पाइडर एक्सपी फार्म। अब यार एक स्पाइडर एक्सपी फार्म हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि हम लोग को इनफिनिट सोर्स ऑफ स्ट्रिंग मिल सकता है जिससे हम लोग बहुत सारे बेड बना सकते हैं। तो जल्दी से हमने एक छोटा सा एक्सपी फार्म बना लिया। फाइनली अपना एक्सपी फार्म यहाँ पे बन के हो गया था रेडी जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम काम कर रहा था एंड इससे हमने बहुत सारे स्ट्रिंग्स कलेक्ट कर लिए थे जिससे हम लोग इजिली अब यहाँ पे बेड बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया जैसे कि हम लोग बाद में आयरन का आर्मर बना पाए। देन हमने यहाँ पे 6 वुल बनाए एंड 2 बेड बना लिया एंड हमने यहाँ पे 2 फिशिंग रॉड भी बना ली क्योंकि अपने पास खाना नहीं है एंड फिशिंग एक लौता रास्ता यहाँ पे खाना कलेक्ट करने का। फिर हम लोग चले गए फिशिंग करने के लिए एंड हम लोग को पहले से ही 2 मछली दिख रही थी बट इनको हमने छोड़ दिया। मतलब देख रहे हो कितने अच्छे बंदे हैं हम। तो काफी देर फिशिंग करने के बाद अपने पास यहाँ पे बहुत सारे फिश हो गए थे जिसको हमने स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड जस्ट थोड़ी देर के बाद ये पूरा कुक भी हो गया था। फिर भाई बहुत दिन के बाद हमने पहली बार खाना खाया और अपना हेल्थ को इंक्रीज किया एंड इसके बाद अपने में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई थी तो हमने पूरे एरिया को क्लियर कर लिया और भाई अपने पास यहाँ पे थोड़े बहुत सीड्स भी थे तो उसको भी हमने हो कर लिया एंड प्लांट कर दिया एंड अब अपने पास इन्फिनाइट सोर्स ऑफ फूड है। हाँ वो अलग बात है कि ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं ग्रो होने में, लेकिन यार कभी ना कभी तो ग्रो हो जाएंगे। फिर हमने सारे सैपलिंग्स को भी यहाँ पे प्लेस कर दिया एंड अब अपने पास वुड का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।
मतलब देख रहे हो कैसे धीरे धीरे करके हम लोग सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो भाई इसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत लावा चाहिए था एक कोबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए, एंड हम लोग को लावा दिख भी गया था, तो हम लोग चले गए माइनिंग करने के लिए। बट यार लकीली भाई को यहाँ पे डायमंड्स मिल गए थे और अपने पास यहाँ पे आयरन का पिकैक्स भी था, तो हमने बहुत सारे डायमंड्स एंड आयरन यहाँ पे माइन कर लिए। मतलब देख रहे हो हम आए थे यहाँ पे लावा लेने के लिए बट हम लोग को डायमंड मिल गया। फिर यार काफी देर तक ओस माइन करते करते हमें यहाँ पे स्पॉन्ज मिल गया था, एंड अगर आपको पता नहीं तो हर एक जार में एक एक स्पॉन्ज हिडन रहता है जिसको हमें बाद में ढूंढना पड़ेगा। फिर उस स्पॉन्ज को कलेक्ट करके हम लोग ऊपर वापस चले गए एंड हमने दो डायमंड के पिकैक्स बना लिए। और अब भाई की खुशी तो देख ही सकते हो, मतलब और ज्यादा खुश हुआ ना तो उसकी गर्दन ही टूट जाएगी। तो यार अब फाइनली टाइम था दूसरे जार पे भी जाने का, तो हमने यहाँ पे जल्दी से बहुत सारे कॉबलस्टोन के स्लैब बनाए एंड चले गए विलेज वाले जार को लूटने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए। एंड हमने जितना सोचा था उससे तो ये जार काफी ज्यादा दूर था, बट फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच ही गए। एंड भाई यहाँ पे कितनी ज्यादा ओपीओपी सामान थी, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस थे, एंड यार एक विलेजर तो हम लोग को बहुत अजीब सा दिखा। फिर जब हमने इसकी ट्रेड चेक की तो हमें पता चला कि ये हम लोग को नेदर पोर्टल एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड का कॉम्पास दे रहा है एंड टेलीपोर्टिंग शल्कर दे रहा है। तो अभी तो अपने पास उतने सारे एमरल्ड्स थे नहीं, तो हम लोग वापस चले गए एंड इन विलेजेस से हमने काफी सारे गाजर और आलू ले लिए, और इनके पास थोड़ा बहुत हे बेल्स भी था तो हमने उसको भी कलेक्ट कर लिया। एंड यार उस हे बेल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे स्पॉन्ज छुपा हुआ मिल गया था एंड उसको भी हमने ले लिया, और इसी के साथ अपना दो स्पॉन्ज हो गया है। तो यार इसके बाद हमें आयरन की भी जरूरत थी, ना हमें आयरन गोलम भी दिख रहा था तो हमने इसको मार दिया। मतलब क्या कर सकते हैं यार, अब आयरन चाहिए तो चाहिए। तो यार इसके बाद हम लोग वापस घर आ गए थे, अपने पास एक मैसिव सा ट्री था, मतलब लिटरली ये इतना बड़ा था कि हम लोग इसको चॉप भी नहीं कर सकते। तो हमने उस ट्री को छोड़ दिया और इसके बदले लावा लेने चले गए। इतने में अपने शुगर केन भी बड़े हो चुके थे तो उनको भी हमने एक बार हार्वेस्ट कर लिया एंड देन रीप्लांट कर दिया। तो यार आयरन गोलम को मार के अपने पास यहाँ पे बहुत सारे आयरन हो गए थे, तो जल्द से हमने अपने लिए आयरन का पूरा आर्मर एंड टूल्स बना लिया। देन मैंने टूल्स एंड आर्मर भाई को भी दे दिया एंड मैंने भी रख लिए, एंड अब अपने पास पूरा आयरन का सेट है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हाँ वो बात अलग है कि इस आर्मर को बनाने के लिए बहुत सारे आयरन गोलम की कुर्बानी लगी है। फिर भाई इसके बाद अपने पास थोड़े बहुत आयरन बच गए थे जिससे हमने एक हॉपर बना लिया, एंड अब टाइम था एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने का, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्टोन जनरेटर बना लिया। एंड अब हम लोग कभी भी इससे कॉबलस्टोन एंड स्टोन दोनों ही ले सकते हैं। एंड जैसे कि अब हम लोग को बहुत सारे कॉबलस्टोन की जरूरत थी तो हमने काफी सारे कॉबलस्टोन माइन कर लिए। फाइनली अपने पास यहाँ पे बहुत सारे कॉबलस्टोन हो चुके थे, तो जल्दी से हमने थोड़े बहुत यहाँ पे स्लैब्स बना लिए एंड अपने पूरे आइलैंड को हमने एक्सपैंड कर दिया। तो यार जब हम लोग अपने आइलैंड को एक्सपैंड कर रहे थे तो यहाँ पे बिजली गिरा, एंड बिजली गिरते यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन हॉर्स स्पॉन हो गए थे। और भाई अगर आपको नहीं पता तो स्केलेटन हॉर्स स्पॉन होना ना मजाक की बात नहीं है, बहुत ज्यादा रेयर होता है ये। तो यार इतनी रेयर चीज को हम लोग मार कैसे थे, तो हमने सारे स्केलेटन्स को तो मार दिया लेकिन हॉर्सेस को हमने रख लिया। हाँ मतलब ये बात अलग है कि हम लोग इस घोड़े के ऊपर सवारी कहाँ करेंगे, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। तो भाई इसके बाद हम लोग सोने के लिए चले गए, एंड सुबह को हमने सोचा कि अपने प्लेटफॉर्म में थोड़े बहुत एनिमल्स लाए जाए, एंड हमने विलेजेस में बहुत सारे पिग्स देखे थे तो हम लोग चले गए डायरेक्टली बहुत सारे पिग्स लाने के लिए। और यार इन पिग्स को लाते लाते ना रात हो गई थी, मतलब इतने ज्यादा स्लो है, और हम तीन पिग्स को ला रहे थे लेकिन बस दो ही आ पाए। फिर यार सुबह को हमने देखा कि अपना वीट भी बड़ा हो चुका है, तो हमने यहाँ पे वीट एंड शुगर केन दोनों ही हार्वेस्ट कर लिए। तो यार इसके बाद हमने देखा कि अपने पास वाले जार में भी ना काफी सारे एनिमल्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे काउज एंड शीप्स थे जो कि हम लोग को बाद में बहुत ज्यादा काम में आएंगे। तो हम चले गए अपना वीट को लेके इन काउज एंड शीप्स को लेने के लिए, एंड फिर उसी बीच हम लोग को बैरल्स में मिल गए थे एंड उसके अंदर वीट एंड सीड्स थे, तो हमने उसको कलेक्ट कर लिया। फिर एनिमल्स को लियर करके हम लोग अपने आइलैंड में लाए एंड उनको कैप्चर भी कर लिया। एंड यार अब अपने पास सारे टाइप के एनिमल थे। फिर इसके बाद चले गए हम लोग मुकेश अंबानी बनने के लिए, बहुत सारे एमरल्ड्स लेने के लिए। तो सबसे पहले हमने एक विलेजर को फ्लेचर बनाया एंड काफी सारे एमरल्ड्स ट्रेड कर लिए। और आप सब जो ये सब वुड देख रहे हो ना, ये सब बस उस जायंट ट्री को माइन करने से मिला है। तो इसके बाद हमने थोड़े बहुत स्टिक्स बनाए एंड काफी सारे एमरल्ड्स ले लिए। बहुत ही ट्रू ट्रेडिंग करने के बाद अपने पास यहाँ पे 64 एमरल्ड्स आ चुके थे, जिससे हमने यहाँ पे काफी सारे ब्रेड भी ले लिए। तो यार अब हम लोग को आइलैंड एक्सपैंड करना था एंड फार्म्स भी बनाने थे, तो हमने आइलैंड्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो यार ये आइलैंड में अपना मेनली यहाँ पे एनिमल्स रहेगा, अपना खाना रहेगा एंड एक साइड में एक्चुअली फार्म रहेगा। तो हमने यहाँ पे सीड प्लांट कर दिए, बहुत सारे कैरेट्स भी प्लांट कर दिए एंड एनिमल्स को लाके उनको फीड करवा दिया। एंड अब तो हम लोग को लिटरली खाने की कभी भी नहीं कमी होगी। तो यार अब हम लोग को जाना था नेदर में, तो हम लोग चले गए लावा के पास, उसमें बहुत सारे हमने ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लिए। फिर इनफ ऑब्सीडियन होने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए थे एंड हमने एक छोटा सा नेदर पोर्टल बना लिया।
पर यार जब हम लोग इस नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करके अंदर जाने की कोशिश किए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मतलब जब भी हम लोग अंदर जाने की कोशिश किए तो ये नेदर पोर्टल टूट जा रहा था, और हमने लिटरली ऐसा कभी भी नहीं देखा था। मतलब ये नेदर पोर्टल डायरेक्टली टूट रहा था, और फिर हमें याद आया कि हम लोग इस वर्ल्ड में नेदर पोर्टल बना ही नहीं सकते। एंड नेदर में जाने के लिए उस विलेजर से हम लोग को मैप ट्रेड करना पड़ेगा एंड सीक्रेट नेदर पोर्टल में जाना पड़ेगा। तो भाई जैसे कि अब अपने पास बहुत सारे एमराल्ड्स थे, तो जल्दी से हम लोग चले गए उस विलेजर के पास एंड नेदर वाला कंपास हमने ले लिया। एंड अब हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे नए वाले नेदर पोर्टल में जाने के लिए एंड देखने के लिए कि कैसा जगह होगा। तो जिस तरफ अपना कंपास यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था उस तरफ हम लोग चले गए नेदर पोर्टल को ढूंढने के लिए। और भाई सच बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि नेदर पोर्टल काफी ज्यादा दूर था एंड हम लोग को बार बार जाना पड़ रहा था कॉबलस्टोन स्लैब्स लेने के लिए। पर कैसे भी करके बहुत देर के बाद हम लोग को फाइनली नेदर पोर्टल मिल गया। एंड यार ये नेदर पोर्टल भी जार के अंदर बंद था, एंड यार ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब यहाँ पे स्पूकी सा वाइब आ रहा था, लोडस्टोन भी प्लेस था एंड नेदर पोर्टल भी बहुत ज्यादा ऑसम लग रहा था। फिर भी यार कंफर्म होने के लिए कि ये नेदर पोर्टल टूटता है कि नहीं, हम लोग इसके अंदर चले गए। एंड जब हम लोग अंदर गए तो ये नेदर पोर्टल नहीं टूटा। मतलब देख रहे हो पढ़ाई करने का फायदा, अगर हम लोग उस बुक को कभी पढ़ते नहीं तो हम लोग को इस नेदर पोर्टल के बारे में कभी पता भी नहीं चलता। तो यार फिर हम लोग नेदर में स्पॉन हो चुके थे एंड नेदर में भी बहुत सारे जार्स थे एंड उसके अंदर काफी सारे स्ट्रक्चर्स एंड बायोम्स थे। तो सबसे पहले तो हम लोग चले गए सबसे इंपॉर्टेंट वाले जगह पे, जो कि अपना नेदर फोर्ट्रेस। पर यार नेदर फोर्ट्रेस जाने के वक्त हम लोग को काफी सारे ब्लेजेस एंड विदर स्केलेटन दिखे, तो हम लोग वही से ही वापस आ गए। मतलब यार इतनी जल्दी मरने का तो अपना कोई भी शौक नहीं था। तो यार घर आते आते इतना ज्यादा टाइम लग गया कि अपना सारा फूड यहाँ पे ग्रो हो चुका था, जिसको हमने जल्दी से हार्वेस्ट कर लिया एंड अपने एनिमल्स को भी हमने फीड करवा दिया। देन यार हमें यहाँ पे एक एसपी फार्म बनाना था, तो हमने बहुत सारा कॉबलस्टोन माइन करना स्टार्ट कर दिया। तो यार जब हम लोग यहाँ पे कॉबलस्टोन माइन कर रहे थे तो हमें यहाँ पे एक एंडर मैन दिखा एंड उसके पास एक ग्रास ब्लॉक था, तो उसको हमने बैठाया एंड उसको हमने मार दिया। एंड इसके बदले उसने हमें एंडर पल एंड एक ग्रास ब्लॉक दे दिया, जो कि हम लोग को बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। फिर यार हमने देखा कि एक्सपी फार्म के लिए हम लोग को बहुत सारे आयरन भी चाहिए, तो हम लोग चले गए विलेज में काफी सारे आयरन गोलम मारने के लिए। मतलब यार हम लोग अब क्या ही कर सकते हैं, आयरन की जरूरत है तो मारना ही पड़ेगा। देन काफी सारे आयरन गोलम मारने के बाद अपने पास यहाँ पे 20 आयरन हो चुके थे, जिससे हमने 4 यहाँ पे हॉबर बना लिए एंड 2 चेस्ट बना लिए एंड फिर एक्सपी फार्म के ऊपर काम करना हमने स्टार्ट कर दिया। फाइनल अपना एक्सपी फार्म यहाँ पे बंद हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम काम कर रहा था। मतलब लिटरली यार हर टाइम पे मॉब्स नीचे गिर रहे थे। एंड अब तो अपने पास यहाँ पे बहुत सारे बोन मिल होने वाले हैं एंड होपफुली हम लोग को जॉम्बी विलेजर भी मिल जाएंगे। तो यार फिलहाल तो अपने पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो हम लोग चले गए पास वाले जार्स को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें एक नॉर्मल जार मिला था, जो कि था स्प्रूस वाला एंड उसमें एक बैरल था जिसमें काफी सारे स्प्रूस सैपलिंग्स एंड बहुत सारे चारकोल थे। देन यार इसके बाद हम लोग चले गए डेजर्ट पिरामिड वाले जार में, और भाई उसमें इतने सारे मॉब्स थे कि क्या बताओ। पर जैसे कि हम लोग फाइटिंग में बहुत बड़े वाले प्रो है, तो हमने इजीली क्रीपर्स की हेल्प से सारे मॉब्स को मार दिया। मतलब यार कभी कभी तो हमें लगता है कि इतना टैलेंटेड होना इलीगल तो नहीं है ना। तो फालतू की बातें को साइड में रखने के बाद हम लोग डेजर्ट पिरामिड के अंदर चले गए थे एंड यार इसमें बहुत ओपी ओपी चेस्ट थे और बहुत खतरनाक सामान थे। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग को एक गोल्डन इंचांटेड एप्पल मिल गया था, देन हम लोग को एक बुक मिल गया था एंड काफी सारे आयरन एंड गोल्ड मिल गए थे। एंड सारी चीजों को लूटने के बाद हम लोग घर वापस आ गए। देन यार इतने में अपने शुगर केन भी बड़े हो चुके थे, तो उनको भी हमने हार्वेस्ट कर लिया एंड अपने पास यहाँ पे बहुत सारे वीट भी ग्रो हो चुके थे, तो उनको भी हमने एक बार हार्वेस्ट करके अपने एनिमल्स को फीड करवा दिया। तो यार जब तक मैं ये सब कर रहा था, तब तक भाई जॉम्बी विलेजर कैप्चर कर रहा था एंड यार उसको मिल भी गया। तो जल्दी से हमने एक बोट लाया एंड इस जॉम्बी विलेजर को उसके अंदर बैठा दिया एंड अब हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं और बहुत सस्ते में ट्रेड्स ले सकते हैं। तो यार अब हम लोग चाहिए था बहुत सारा ब्लेज रॉड, जिसके लिए डायरेक्टली हम लोग चले गए अपने नेदर पोर्टल के पास। एंड हमें नेदर में जाने के लिए बहुत ज्यादा डर तो लग ही रहा था, क्योंकि अपने पास कुछ भी नहीं था, लेकिन यार हमें जाना तो था ही। तो यार डायरेक्टली हम लोग चले गए अपने फोर्ट्रेस के पास एंड वहां पे बहुत सारे ब्लेजर्स एंड विद स्केलेटन्स थे, जिसको हमने कैसे भी मार दिया। मतलब हाँ वो अलग बात है कि हम लोग काफी बार मरते मरते बचे, लेकिन यार कैसे भी करके हमने उनको मार दिया। फिर भाई वहीं पे हम लोग को चेस्ट मिल गया था एंड उसमें विद स्केलेटन हेड था। मतलब यार लिटरली विद स्केलेटन का हेड हम लोग को डायरेक्टली मिल गया एंड इस तरह हम लोग को काफी सारे ब्लेज रॉड भी मिल गए थे, तो हम लोग अपने घर वापस आ गए। फिर हमने यहाँ पे एक ब्रूइंग स्टैंड बना लिया एंड थोड़े बहुत ब्लेज पाउडर बना लिए, और अपने पास ग्लासेस भी थे जिससे हमने बॉटल्स बना लिए। और भाई इसी के साथ अपने पास सारी चीजें थे एक पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए, तो हमने एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाया एंड पोशन ऑफ वीकनेस बना लिया। देन हम लोग चले गए अपने ज़ॉम्बी विलेजर के पास एंड इसको हमने पोशन ऑफ वीकनेस एंड गोल्डन एप्पल दे दिया एंड अब जस्ट हम लोग को थोड़ा बहुत वेट करना है एंड ये क्योर हो जाएगा। तो यार रात हो रही थी, तो हम लोग चले गए सोने के लिए एंड सुबह को ये क्योर भी हो चुका था एंड अब हम लोग इससे इजीली ट्रेड कर सकते हैं और अपना डायमंड का आर्मर ले सकते हैं। फिर फाइनली हमने इसको आजाद कर दिया। हाँ वो अलग बात है कि बाद में इसको हमने बोट में भी बैठा दिया था, लेकिन यार इसको क्योर तो कर दिया ना। फिर इसके बाद चले गए हम लोग अपने विलेज में बहुत सारा एमराल्ड्स एंड एक ब्लास्ट फर्नेस लेने के लिए।
एंड हम यहाँ पे एक फ्लेचर मेल भी किया जो कि हम लोग को एमरल्ड दे रहा था, तो इसे काफी सारे हमने ट्रेड कर लिए। देन हमने यहाँ पे एक ब्लास्ट फर्नेस भी ले लिया था एंड अपने घर वापस आ गए। सो यार इसके बाद हमने इसको एक आर्मर बना दिया था एंड ये एक एमरल्ड के बदले सारे डील्स दे रहा था, तो हमने इसे जस्ट थोड़ी देर तक ट्रेड की एंड भाई ये हम लोग को डायमंड का आर्मर इजिली दे दिया। और ये पूरा डायमंड का आर्मर बस एक एमरल्ड के बदले दे रहा था जो कि हम लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। फिर मैंने आर्मर भाई को भी दे दिया एंड मैंने भी पहन लिया एंड अब अपने पास इंचेंटेड डायमंड का आर्मर है। हाँ वो अलग बात है कि इसको हम लोग बाद में भी इंचेंट करने वाले हैं, लेकिन यार अभी के लिए काफी है। फिर यार इसके बाद हमने देखा कि अपना सारा चेस्ट यहाँ पे फुल हो गया था और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था सामान को ऑर्गेनाइज करने में, तो हमने एक छोटा सा चेस्ट रूम बना लिया। तो यार आप अपने चेस्ट रूम को देख सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है एंड यार यहाँ पे हमने लीव से भी डेकोरेट किया है जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है। एंड पीछे से अगर आपको दिखाओ तो हमने यहाँ पे बहुत सारे चेस्ट लगाए हैं, थोड़े बहुत लैंटर्न्स भी लगाए हैं एंड यार काफी सारे लीव्स भी हैं। एंड अगर आप लोग अंदर जाओगे तो अंदर में भी बहुत सारे चेस्ट है एंड काफी सारे फर्नेस है सामान को स्मेल्ट करने के लिए। तो यार अब हम लोग को स्ट्रॉन्ग पोर्टल का भी कंपास चाहिए था, बट उसके लिए हम लोग को बहुत सारे एंडेबल चाहिए थे, तो हम लोग डायरेक्टली चले गए नेदर में। फिर नेदर में आने के बाद हमने यहाँ पे बहुत सारे एंडरमैन को मारना शुरू कर दिया। देन यार इसके बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए थे एंड हमने यहाँ पे चार आई ऑफ एंडर बना लिए एंड अपने पास एंडर पल भी थे, तो डायरेक्टली हम लोग चले गए स्ट्रॉन्ग पोर्टल का कंपास लेने के लिए। और यार हम लोग बस एक ही चीज दुआ कर रहे थे कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड नेदर पोर्टल जैसा दूर ना हो, लेकिन यार ये दूर था। तो कंपास को ट्रेड करने के बाद डायरेक्टली हम लोग चले गए अपने स्ट्रॉन्ग पोर्टल को ढूंढने के लिए। और भाई ये नेदर पोर्टल से नहीं, उससे भी ज्यादा दूर था और हम लोग को जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, पर कैसे भी करके हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे। एंड यार ये स्ट्रॉन्ग पोर्टल बहुत ही ज्यादा अजीब सा था, मतलब यहाँ पे काफी बड़ा वाला लाइब्रेरी था एंड उसमें बहुत सारे चेस्ट थे और बहुत ही ओपी लूट था। तो सबसे पहले तो हमने सारे बुक्स को यहाँ पे ले लिया क्योंकि उसमें बहुत ही ओपी इंचेंट लगी हुई थी एंड देन हम लोग चले गए बहुत सारे बुक्स लेने के लिए। फिर यार हमने यहाँ पे स्पॉनर्स को तोड़ दिया एंड पोर्टल को भी एक्टिवेट कर दिया। एंड जैसे कि हम लोग एंडर ड्रैगन मारने में बहुत बड़े प्रो एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया है, तो हम लोग डायरेक्टली चले गए पोर्टल में। जब हम लोग एंड में यहाँ पे स्पॉन हुए तो हम लोग बहुत बड़े वाले बॉक्स में स्पॉन हुए थे एंड इसको देख के हम लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। एंड हम लोग जब बाहर जाके देखे तो अपने सारे क्रिस्टल्स भी बहुत बड़े वाले पिलर्स में थे, जिसको तोड़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था दूसरों के लिए क्योंकि हमने तो इसको ईजिली तोड़ दिया था एंड एंडर ड्रैगन को भी बहुत ही आसानी से हमने डिफीट कर दिया। एंड यार लास्टली इसके एंड एनिमेशन के बिना ये वीडियो कैसे पूरा हो सकता है, इसका एंड एनिमेशन तो बहुत ही ज्यादा ऑसम लेवल का होता है यार। फिर हमने सारे एक्सिस भी यहाँ पे कलेक्ट कर लिए, बट हमने अंडा को कलेक्ट नहीं किया क्योंकि यार मन नहीं कर रहा था। देन फाइनली हम लोग अपने घर वापस आ गए थे एंड अपने पास यहाँ पे लेवल्स भी थे, अपने पास यहाँ पे डायमंड्स भी थे एंड ऑब्सीडियन भी थे, तो जल्दी से हमने यहाँ पे एक एन्चेंटमेंट टेबल बना लिया। और एंड से हमने काफी सारे बुक्स भी लाए थे, तो उससे हमने बहुत सारे बुक शेल्फ भी बना लिए। फिर यार हमने बुक शेल्फ को यहाँ पे सेटअप कर दिया एंड अब हम लोग इजिली एन्चेंट कर सकते हैं। लेकिन यार हमने एक प्रॉब्लम नोटिस की कि अपने पास तो लैपिज नहीं एन्चेंट करने के लिए, तो हम लोग डायरेक्टली चले गए विलेज में विलेजर के साथ ट्रेड करने के लिए। देन हमने एक विलेजर को क्लेरिक बनाया एंड इससे काफी सारे लैपिज भी ट्रेड कर लिए। एंड फिर इस बार घर आने के बाद फाइनली अपने अपने पूरे आर्मर को इंचेंट कर लिया। तो यार अपना पूरा आर्मर यहाँ पे इंचेंट होकर हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। मतलब मोस्ट ऑफ द आर्मर में यहाँ पे आप प्रोटेक्शन देख सकते हो एंड अपने पिकैक्स में तो यहाँ पे एफिशिएंसी भी है। एंड भाई अब तो हम लोग इजिली विदर को डिफीट कर सकते हैं, पर यार अभी भी हम लोग को थोड़े बहुत लेवल चाहिए थे थोड़ा बहुत कंबाइनिंग करने के लिए, तो हम लोग चले गए बहुत सारे मॉब्स मारने के लिए। फिर यार जब हम लोग यहाँ पे एक्सपीस कलेक्ट कर रहे थे तो हम लोग को जॉम्बी विलेजर मिल गया, और एक नहीं दो दो जॉम्बी विलेजर। तो जल्दी से हमने एक बोट लाया, इन दोनों को उसमें बैठाया एंड अब हम लोग इनको क्योर कर सकते हैं। एंड जैसे पोशन ऑफ वीकनेस अपने पास ऑलरेडी थे ही, तो जल्दी से हमने पोशन ऑफ वीकनेस ले लिया एंड हमने यहाँ पे दो गोल्डन एप्पल बना लिए एंड इनको फीड करवा दिया। एंड अब जस्ट हम लोग को थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा एंड ये क्योर हो जाएंगे। तो यार जब तक ये क्योर हो रहे थे तब तक हम लोग चले गए बाकी आइलैंड्स को लूटने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग को एक आइस वाला बायोम दिख गया जिसमें एक बैरल था एंड उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें थी, तो उसको हमने कलेक्ट कर लिया। फिर यार एक चेस्ट को भी लूटने के बाद हम लोग चले गए एक बहुत ही खतरनाक वुडलैंड मैंशन वाले बायोम में एंड वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मस्त सामान था। एंड वुडलैंड मैंशन से तो हम लोग को यहाँ पे एक टोटम मिल गया, एक डायमंड का ब्लॉक मिल गया था एंड बहुत सारी और भी ओपी सामान मिल गए। और तो और भाई हमें यहाँ पे और एक गॉड एप्पल मिल गया, मतलब समझ रहे हो दो दो गॉड एप्पल। फिर मेन चेंबर में हम लोग को यहाँ पे एक डायमंड का ब्लॉक दिख गया था एंड जल्दी से इसको हमने कलेक्ट कर लिया। घर वापस आने के बाद हमने देखा कि अपने ज़ॉम्बी विलेजर भी यहाँ पे क्योर हो चुके हैं, बट इनके लिए अभी रहने के लिए जगह नहीं था, तो हमने इनको यहीं पे रखा एंड बहुत सारे वुड माइन करने चले गए। काफी देर तक वुड माइन करने के बाद हम लोग के पास इनफ वुड हो चुका था, तो जल्दी से हमने अपने पैरिस विलेजर्स के लिए ट्रेडिंग हॉल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यार फाइनल अपना ट्रेडिंग हॉल बनके यहाँ पे हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। मतलब लिटरली अगर मैं आपको सामने से दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा लगता है एंड पीछे से भी ये बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है।
और फिर अगर आप सामने से देखोगे तो अंदर में भी यहाँ पे बहुत सारे इनके बेड्स है एंड ऊपर में भी एक फ्लोर है। और भाई फिर इनको हमने फीड भी करवा दिया जैसे कि और भी बहुत सारे विलेजर्स आ पाए एंड फ्यूचर में हम लोग इसके साथ ट्रेड कर पाए। तो यार कमेंट डाउन करके आप जरूर बताना आपको ये ट्रेडिंग हॉल कैसा लगा एंड 10 में से आप इसको कितना रेट देना चाहोगे। तो यार इसके बाद हम लोग को थोड़ी बहुत और डायमंड्स की जरूरत थी तो हम लोग चले गए बहुत सारे और डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए। तो यार पास में हम लोग के पास एक जार था जो कि था अपना माइन वाला एंड उसमें काफी सारे डायमंड्स थे तो हमने जल्दी चले गए बहुत सारे डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए। तो यार अपने पास यहाँ पे 18 डायमंड के होते थे एंड जैसे कि अपने पास एक सिल्टज का पिकैक्स था तो हमने एक फॉर्चून का पिकैक्स बनाया एंड उसमें एन्चेंटमेंट कर ली। देन यार उस फॉर्चून के पिकैक्स से हमने माइन कर लिया एंड अब अपने पास बहुत सारे डायमंड्स हो चुके थे एंड हम लोग पूरा डायमंड का आर्मर भी बना सकते हैं। पर जैसे कि अपने पास डायमंड का आर्मर था तो हमने डायमंड के सारे टूल्स बना लिए। फिर मैंने डायमंड के टूल्स भाई को भी दे दिए एंड अब अपने पास डायमंड का पूरा सेट ऑफ आर्मर एंड टूल्स है। तो यार अब फाइनली टाइम था विदर को डिफीट करने का तो हमने विदर को डिफीट करने के लिए सारी चीजें ले लिए। मैंने गॉड एप्पल भी ले लिए, भाई ने भी ले लिए एंड हमने थोड़े बहुत गोल्डन एप्पल ले लिए। फिर हमने अपने डायमंड के टूल्स को भी यहाँ पे इंचेंट कर लिया एंड अपने पास बहुत सारे बुक्स थे एंड उनको कंबाइन करके हमने एक बहुत ही ऑसम सा स्वॉर्ड बना लिया। और यार हमें थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि अपने पास इंचेंटेड गोल्डन एप्पल था जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड रहता है। तो हम चले गए अपने माइन वाले जगह में जहाँ पे हम लोग विदर को स्पॉन करेंगे एंड उसके बाद उसको डिफीट करेंगे। देन हमने यहाँ पे सोल सैंड को प्लेस कर दिया, हमने विदर स्केलेटन के हेड्स को प्लेस कर दिया एंड फिर हमने विदर को स्पॉन कर लिया। देन हमने यहाँ पे गोल्डन एप्पल खाया एंड विदर को चले गए डिफीट करने के लिए। और भाई ये बहुत ही ज्यादा इजी था क्योंकि विदर इजीली डिफीट हो गया। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे विदर स्टार भी मिल गया था एंड इसको लेके हम लोग डायरेक्टली अपने घर चले गए। घर आने के बाद हमने यहाँ पे एक बीकन बना लिया था लेकिन यार अपने पास थोड़ा सा भी आयरन या तो गोल्ड नहीं था तो हम लोग बीकन को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। देन यार इसके बाद हम लोग चले गए थोड़े बहुत अपने एनिमल्स को फीड करवाने के लिए एंड अपने पास खाने की भी बहुत ज़्यादा कमी थी तो हमने उनको मार दिया। फिर यार हम लोग चले गए बहुत सारे वुड माइन करने के लिए क्योंकि अपने पास थोड़ा सा भी वुड नहीं था एंड अब हम लोग को घर बनाना था। एंड फाइनली इनफ वुड माइन करने के बाद हमने अपने घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यार फाइनली अपना घर बन के यहाँ पे हो चुका था रेडी जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। मतलब यार अगर आप सामने से देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है एंड हमने इसके ऊपर फूल के भी डेकोरेशन की है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी इसको लुक दे रहा है। एंड साइड में भी आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। अगर आप अपने घर को अंदर से देखोगे तो अंदर में भी यहाँ पे बहुत ही खतरनाक हमने डेकोरेशन की है। सबसे पहले यहाँ पे एक रूम है जहाँ पे हम लोग सोते हैं जो कि अपना बेडरूम है एंड साइड में भी एक रूम है जो कि खाली अभी के लिए जिसको हम लोग बाद में किसी चीज के लिए तो यूज कर लेंगे। फिर यार अगर आप ऊपर जाओगे ना तो ऊपर में एक लैडर है एंड वहां पे भी एक खाली रूम है एंड इसको भी हमने यूज नहीं किया है। एंड ऐसे अपने 100 डेज हो चुके थे यहाँ पे कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चाहे अपने तो सब्सक्राइब कर देना। ये सब वीडियोस भी देख सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा ओपी है।